हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की ऑडियंस का? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पूछा मैंने कुछ? और सीन कुछ ऐसे है कि आज हमारी फ्रेंड्स की है ईद मिलन पार्टी। बेशक ईद को गुजरे हुए काफी सारे दिन गुजर चुके हैं, लेकिन क्या करें, कोई फ्रेंड जो है अपने गाँव में गई हुई थी जी, हमने वहां पीछे कुर्बानी करी है। कोई फ्रेंड घर पे दावतें कर रही थी, हर कोई बिजी थे। एंड में जाके देखो दोस्तों का हक अदा कर रही है ये सब। गजब बेइज्जती है। एंड में जाके हम मिल रहे हैं, तो आज ईद मिलन पार्टी है और हम सब चल रहे हैं HN फूड्स। आप लोग जानते हैं कि हसीब न्यासी की मुल्तान में बहुत ब्रांच ये फेमस थी, मशहूर थी। अब उन्होंने लाहौर में ये बनाई है और MM आलम रोड पे है उनकी ये ब्रांच। और चलते हैं और चल के ट्राई करते हैं। तो आ रही है आज मुझे फरी पिक करने, तो चलते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। 15 minutes later. और फरी ने मुझे पिक कर लिया है और फरी लेने गई हुई है अंदर जलाल सन से केक, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है सना, आज है उसकी बर्थडे, तो हम लोग थोड़ा सा उसको सरप्राइज भी देने वाले हैं। केक कटिंग सेरेमनी में भी आप शामिल होने जा रहे हैं। तो आती है फरी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि फरी केक लेके आ गया। फरी एक मिनट सामने आए प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ईद मिलन पार्टी है तो ईद वाले कपड़े दोबारा से पहने और सारी यादें ईद की ताज़ा हो गई हैं कि किस तरह गर्मी में मैं और शामीद सबको गोश्त बांटते फिरे थे ईद वाले दिन। यार जोश हो तो हमारे जैसा हो। और ये है कि उस दिन जो है वो हड़ दबड़ बनी हुई थी, आज थोड़े हालात सुकून वाले हैं, बेहतर हैं। तो पहुंच चुके हैं हम लोग HN फूड और चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। काफी सारे अभी 2-3 लोग और आ रहे हैं, काफी लोग बढ़ गए हैं। और चलते हैं और चल के देखते हैं कि कहां पे इन्होंने जो है वो हाईटी के लिए खाना जो है वो प्लेस किया है। तो मेरे ख्याल में तो ये रेस्टोरेंट पूरा गुजरता जा रहा है और कोई आई थिंक सो बाहर कोई जगह लग रही है। फरी क्या लाई हो आप? अच्छा जी, ये फरी कुछ चीज़ें लाने में कामयाब हुई है। तो चलो अब मैं चलती हूँ। और ये बाहर इन्होंने खाना लगाया हुआ है, बहुत गर्मी है, अंदर कहीं होना चाहिए था। और काफ़ी दूर भी ये जगह पड़ती है टेबल से। और बारबेक्यू तो इनका ऑलमोस्ट ख़त्म था, फिर बाद में टेबल पर सर्व इन्होंने किया। खाना टेस्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन रीफिल जो था ये बर्तनों में ये बहुत कम था और कह कह के मंगवाना पड़ रहा था। अदरवाइज़ खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर बाद में खैर इन्होंने हमें टेबल पे बहुत अच्छे तरह से सर्व कर दिया सब कुछ। यार इतने दूर है कि इतनी प्लेट भर ली है कि मेरे ख्याल में एक साल तक आराम से खाती रहूँगी। प्रॉन्स भी हैं, फिश भी है, टिक्का भी है, हाँ, और बटेर भी हैं कि आप लोग देख सकते हैं। तो खाने के आइटम काफ़ी रिच हैं, लेकिन यह है कि खाना ख़त्म हो जाता है, जल्दी जल्दी लाना चाहिए, रीफिल नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फेयर लवली की एड की लड़की, सबसे पहले मुझे बताओ छोटी ईद के बड़ी ईद, बड़ी ईद, और दूसरा मुझे बताओ कि अगर वो जाने का मौका मिले थाईलैंड, किसके साथ जाओगी? फ्रेंड्स के फैमिली? फ्रेंड्स, वेरी गुड, शाबाश, आई लव यू। मिसेस शाह जल्दी से बताएं, छोटी ईद बड़ी ईद? बड़ी ईद। सॉरी, तुम गोश्त ले। मैंने तो छोटी ज़्यादा पसंद है, चूड़ियाँ, मेहंदी, जे भी आप बताओ। छोटी ईद बड़ी ईद? छोटी ईद। मैं भी छोटी ईद। बड़ी ईद में काम कर करके शादीशुदा औरतों के स्यापे हो जाते हैं। बात तो सही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सेम सेम कलर पहने हुए लड़कियों ने, जल्दी बताओ छोटी ईद बड़ी ईद? छोटी ईद। वेरी गुड, शाबाश। ये आंटियों को, गोश्त वाली आंटियों को बड़ी ईद पसंद है। रमजान के रोजे रखे होते हैं, तो छोटी ईद का मजा ही कुछ हो रहा है। और अब मुझे ये बताओ कि थाईलैंड जाने का मौका मिले तो फ्रेंड्स के फैमिली? फ्रेंड्स। मैंने कल अपने मियाँ के सामने ये बात की थी, उसे बड़ा गुस्सा भी आया था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो स्वीटी, छोटी ईद की बड़ी ईद दोनों चाहिए? वेरी गुड। और अच्छा अच्छा, गोश्त आता है? आप गोश्त नहीं खाती हैं, मुझे पता है, इसलिए चुप हो जाएं। हाँ, मुझे बताएं कि अगर थाईलैंड जाना हो, फ्रेंड्स के साथ जाएंगी कि मियाँ के साथ? दफा हो जाओ। छोटी ईद बड़ी ईद? बड़ी ईद। गोश्त, मटन लवर? और ये बताएं कि अगर थाईलैंड जाने का मौका मिले तो हम सबके साथ जाएंगी? फ्रेंड्स के साथ। आई लव यू मिसेस नकवी, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, मुझे ये बताओ कि छोटी ईद के बड़ी ईद?
छोटी ईद, हम सब उधर छोटी वाली थी, आंटियां जो है वो बड़ी ईद कह रही हैं कि उन्हें गोश्त चाहिए। और आप बताओ कि अगर थाईलैंड जाने का मौका मिले फ्रेंड्स के साथ के फैमिली के साथ, प्लीज थाईलैंड में वो भी फ्रेंड्स के साथ। ये भी बात ठीक है तेरी, ये बात भी तेरी ठीक है, लेकिन हम कह रही थी हम सारी फ्रेंड्स चले। मुझे ये बताओ जाने कौन देगा, घर वाले जाने देंगे? हाँ हम, मैंने कहा अगर मौका मिले, ख्वाहिश ये नहीं दोस्त तक। शाबाश, आप दिखाओ बेटा कैसे तैयार हुई हो, ईद वाले दिन है, प्यारी सी सोनी सी तैयार होके आए हो, और आलियान तो हमारा इतना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह, क्या बात है, आलियान तो बहुत प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाजिया, कैसी हो, ठीक हो, काफ़ी लेट पहुंची हो, क्या हुआ, खैर थी, दोनों क्यों लेट आई हो? हेलो शगुफ्ता, कैसी हो, इतनी लेट क्यों पहुँची हो दोनों? क्या बात है, आप मुझे ये बता दो जल्दी से, छोटी ईद के बड़ी ईद, बड़ी ईद ज़्यादा पसंद है? अब तुम मुझे बताओ छोटी ईद के बड़ी ईद, छोटी ईद बड़ी ईद, हाँ गोश्त वाली, आंटियों को पसंद आती है गोश्त बकरे चीजें, है ना? नहीं काम बहुत होता है भाई, बात तो सही है। और आप ये बताओ कि अगर थाईलैंड जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाओगी, फैमिली के साथ के फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड्स के साथ। याहू जिंदाबाद, अब तुम बताओ। हस्बैंड बच्चे, दफा हो जाओ, इसको इसको निकालो यहाँ, वो पीछे दरवाजे से बाहर निकालो, सारी उम्र उसी की शक्ल देखती है। हाँ ना, अब तो यार फ्रेंड्स के साथ मजा कुछ और होता है, भाई ये अपने मियाँ को वहाँ पे जाके पराठे बना बना के देगी। अच्छा जी, आपस में दोनों ने लड़ना नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ फ्रेंड्स के साथ अपना ही मजा है, मियाँ के साथ भी, चलो जी अच्छी बात है, ठीक है। जल्दी से बताओ छोटी ईद के बड़ी ईद, बड़ी बकरे वालियाँ गोश्त वालियाँ जड़ी सहेलियाँ ने ना वो बड़ी ईदी है। और अब बताओ कि अगर थाईलैंड जाने का मौका मिले, अगर मौका मिले सपोज, हम सब के साथ जाओगी कि अपने मियाँ के साथ? दफा हो जाओ सिद्रा, छोटी ईद बड़ी ईद, छोटी मियाँ के साथ जाओगी थाईलैंड के, हम सब के साथ, हमारे साथ मियाँ के साथ, इनू कटो बाहर, निकालो बाहर। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताओ छोटी ईद के बड़ी, छोटी और थाईलैंड जाने का मौका मिले तो हमारे साथ, और ये आ गया है केक, और ये है हमारी बर्थडे गर्ल, हेलो, और ये भी बर्थडे गर्ल है, प्लीज अब मिल जाएंगे 2000, बहुत बात है। जय डियर सना, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया। और ये आज है बर्थडे गर्ल हमारी, और उसका केक आ गया है, वो आज सुकैना की बर्थडे है, उसको भी खड़ा कर लो प्लीज। हैप्पी बर्थडे डियर सना, हैप्पी बर्थडे टू यू, विश करो मेरे, जियो हजारों साल खुश रहो, आबाद रहो, पिंडी रहो या इस्लामाबाद रहो, हैप्पी बर्थडे सुकैना, खुश रहो आबाद रहो, जियो हजारों साल। खुला दिल करके केक दे दे हमें अपनी सहेली की बर्थडे का, ये कैसा केक दे रही है, थोड़ा थोड़ा खुला दिल करके हमें केक खिलाओ, और ये देख लो गाइस कि मुझे अल्लाह ताला ने बेटी दे दी है, जवान बेटी, बड़ी बेटी, बेटी आराम से हमने इसके साथ जो है अपनी सारी स्टोरियां शेयर किया करूंगी। और ये देखे सब
सब खा खा के और देखो कैसे अपनी गप्पों में लगे हुए हैं और यहाँ बिल का मैटर चल रहा है और ये देखें और के सब ये देखें हाँ ये देखें प्रेजेंट प्रेजेंट मैम कर दें और फाइनली एचएन फाइनली हम लोग एचएन को भी आज हमने कर दिया आज हमारा ये मैदान हमारा है लॉस्ट ट्राइब यस लॉस्ट ट्राइब सी यू देयर होपफुली इंशाल्लाह वेरी सून ये हमारी प्रिंसेस है कनाडा की प्रिंसेस शी इज माय सिस्टर या शी सो ब्यूटीफुल तो आज की अच्छी बात कुछ इस तरह से है कि वही ज़बान अच्छी है जो शुक्र अदा करती है वो ज़बान अच्छी नहीं है जो हर वक्त गिले में इसमें कोई शक तो खुदारा गिले छोड़े शिकले छोड़े और अल्लाह ताला का जितना हो सके शुक्र करें अब हम चलते हैं मिसेज शाक मिसेज नकवी तक उनकी अच्छी बात मिसेज नकवी कोई अच्छी बात बताएं आज की आज ये बहुत डिफिकल्ट टास्क मुझे मिला है लेकिन अगर कोई आपको बहुत खूबसूरत लड़का मिले तो मेरी तस्वीर आप कनाडा से आई आप जरा इधर मुकरे आप कनाडा से आई आप बताए बहुत पुरानी हो गई कनाडा से आप कोई आज की अच्छी बात बता सकती हैं मेरी अम्मा मेरा बहुत ख्याल और थक हार कर वापसी हो गई है खा खा के जान जो है वो हमारी पकड़ी है बस समझ लो आज बहुत ज्यादा खा लिया भाई तो करते हैं इसके साथ अपने ब्लॉग को एंड खुश रहिए खुशियां बांटिए और अपने प्यारों का ख्याल रखिए जिंदगी थोड़ी सी उसकी कदर कीजिए और नमाज जरूर पढ़िए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है अल्लाह हाफिज़।